बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं हिंदुस्तान के तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन बहुत ही जल्द उसे अपनी जान बचाने के लिए मुगल सल्तनत का ताज छोड़कर दरिया में तैरकर भागना पड़ा। अपने बाप से अपने भाइयों का ख्याल रखने का वादा करने के बावजूद हुमायूं ने क्यों अपने ही भाई की आंखें छीनकर उसको अंधा करवा दिया। अपने करीबी साथियों से धोखा खाने के बाद हुमायूं एक बाहर वाले की मदद से 15 साल बाद हिंदुस्तान के तख्त पर किस तरह बैठा। मुगलिया सल्तनत की सीरीज की दूसरी वीडियो में आज हम दूसरे मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की जिंदगी की ऐसी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे जिससे ज्यादातर अफराद लाइल्म हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद ऐसी वीडियोस को आप तक पहुंचाया जा सके और आप आगाह रह सकें। ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान का तख्त उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नसीब में आया, लेकिन 22 साला हुमायूं ये नहीं जानता था कि इस तख्त के लिए दर बदर धक्के खाने के बाद अपने बाप की तरह मेहनत करके इस तख्त को उसको दोबारा हासिल करना होगा। बाबर ने अपनी तमाम सल्तनत किसी एक बेटे को देने की बजाय तमाम बेटों में तकसीम कर दी। हुमायूं का तख्त सबसे ज्यादा गैर महफूज था क्योंकि बाबर ने इस तख्त पर सिर्फ 4 साल हुकूमत की थी। दिल्ली तख्त के बहुत से उमरा हुमायूं को इस तख्त के काबिल नहीं समझते थे, बल्कि बाबर की मौत से पहले जब वो बीमार था तो कुछ उमरा उसके बहनोई मेहदी ख्वाजा को हुक्मरान बनाने की नाकाम कोशिश भी कर चुके थे। हुमायूं के एक और भाई कामरान मिर्जा के हिस्से में काबुल और कंधार की हुकूमतें आईं। हुमायूं के तख्त पर बैठते ही उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। सिर्फ उसके भाई खलील मिर्जा ने उसका साथ दिया, लेकिन बहुत ही जल्द उसको भी कत्ल करवा दिया गया। अपने भाइयों के अलावा हुमायूं के तख्त के लिए 2 बड़े खतरे थे, एक गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह और दूसरा गंगा किनारे बहार का हुक्मरान शेर शाह सूरी। हुमायूं की हुकूमत के पहले 5 साल में इन दोनों ने अपनी रियासतों को बढ़ाया और मजबूत किया। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मुगल सल्तनत उस्मानिया से तोप हासिल करने की वजह से जंगों में बर्तरी रखते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन अब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह भी पुर्तगालियों से तोप हासिल कर चुका था और 1535 में हुमायूं को पता लगता है कि गुजरात का सुल्तान पुर्तगालियों की मदद से बयाना में मुगल इलाकों पर कब्जे करने का मंसूबा बना रहा है। हुमायूं अपनी फौज के साथ गुजरात के सुल्तान पर हमला आवर हुआ और चंपनीर और मांडू के किलों पर कब्जा कर लिया। बजाय इसके कि वो सुल्तान बहादुर के किस्से को खत्म करता, उसने इस कैंपेन को आगे ना बढ़ाया। हुमायूं के गुजरात पर हमला करने का सुनते ही बिहार में मौजूद शेरशाह सूरी ने मौके को गनीमत जाना और आगरा पर कब्जा करके हुमायूं की हुकूमत को एक फैसला कुन शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। हुमायूं ने यह खबर सुनते ही अपनी फौज का रुख आगरे की तरफ किया, जिसकी वजह से सुल्तान बहादुर ने अपने इलाके आसानी वापस हासिल कर लिए। लेकिन 1537 में पुर्तगालियों के वाइसराय को अगवा करने के चक्कर में सुल्तान बहादुर अपनी जान से हाथ धो बैठा और मुगलों ने फिर इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। हुमायूं आगरा को शेरशाह सूरी से बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन बंगाल के शहर गौर को बचाने में नाकाम रहा। गौर में मुगल सल्तनत का अनाज का सबसे बड़ा जखीरा था। हुमायूं जब यहां पहुंचा तो सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी और शेरशाह सूरी बंगाल की दौलत लूटकर और मजबूत हो चुका था। बजाय इसके कि हुमायूं शेरशाह सूरी का करता, उसने अपने आप को हरम की अय्याशियों में घेर लिया। अपने बाप बाबर की तरह हुमायूं भी शराब और अफीम का आदि था। इस कैंपेन में हुमायूं के भाई हिंदल मिर्जा ने उसे अपनी मदद की यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो आगरा भाग गया और अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। जब हुमायूं ने अपने ग्रैंड मुफ्ती शेख बहलोल को उसके पास भेजा तो हिंदल ने उसे भी कत्ल करवा दिया। हुमायूं के दूसरे भाई कामरान मिर्जा ने भी हिंदल मिर्जा के साथ डील की कि हुमायूं का तख्त छीनने के बाद वो उसको भी रियासत में से हिस्सा देगा। हुमायूं बंगाल में अय्याशी में अपना वक्त रहा था, जबकि शेरशाह सूरी ने मुख्तलिफ इलाकों में अपना कंट्रोल संभालते हुए हुमायूं का आगरा के साथ रब्ता मुनकता कर दिया। शेरशाह सूरी उसे उकसाकर गंगा किनारे चौसा के मकाम पर ले आया। 3 महीने तक दोनों फौजों ने डेरे डाले रखे। मुगल फौज का ज्यादातर हिस्सा, जिसमें तोपे भी शामिल थी, ज्यादा मुतहरिक नहीं रहा। हुमायूं ने डिप्लोमेसी के तौर पर अमन का मुआहदा करने के लिए अपने सफीर को शेरशाह सूरी के पास भेजा और शेरशाह को बंगाल और बिहार पर हुकूमत करने की इजाजत देने पर रजामंद भी हो गया। लेकिन जैसे ही मुगल दस्तों ने अपनी डिफेंस पोजीशंस छोड़ी और रिलैक्स हो गए, उसी रात शेरशाह सूरी की फौज ने मुगल फौज पर हमला कर दिया। ज्यादातर मुगल फौजी नींद के मजे लूट रहे थे और इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ज्यादातर मुगल फौजी मारे गए। बारिश की वजह से कैंप्स में पानी भर गया। 8,000 से ज्यादा मुगल फौजी दरिया में डूब कर मर गए। शेरशाह सूरी ने मुगल कैंप्स पर कब्जा कर लिया। हुमायूं हवा से भरी चमड़े की खाल का इस्तेमाल करते हुए दरिया में तैर कर भाग गया और अपनी जान बचाकर आगरे पहुंचा,
जहाँ पहले से उसके तीनों भाई मौजूद थे। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से ये वादा लिया था कि वो अपने भाइयों को कुछ नहीं कहेगा, बेशक वो उसके हकदार ही क्यों ना हो। हुमायूं ने हिंदल समेत सबको माफ कर दिया। शेरशाह चौसा की जंग जीतने के बाद अपने आप को आगरा और दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर चुका था और बहुत तेजी से आगरे की तरफ पेशकदमी कर रहा था, जबकि हुमायूं और उसके भाई फजूल बहस में अपना वक्त जाया कर रहे थे। हुमायूं अगली जंग से पहले एक मजबूत फौज तैयार करने का हामी था, जबकि कामरान मिर्जा के मुताबिक फौरी अटैक करना चाहिए था। हुमायूं के ना मानने पर कामरान मिर्जा वापस लाहौर चला गया और हुमायूं अपने भाई अस्करी मिर्जा और हिंदल मिर्जा के साथ कन्नौज के मकाम पर 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी के मद्दे मुकाबिल आया। हुमायूं के गलत फैसलों की बदौलत शेरशाह सूरी ने कन्नौज के मकाम पर दोबारा फतह हासिल की और एक बार फिर हुमायूं अपने भाइयों के साथ मैदान जंग से भागकर लाहौर कामरान मिर्जा के पास आ गया। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पैगाम भेजा कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया है, तो तुम लाहौर को अकेला छोड़ दो, जिसके जवाब में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काबुल को अकेला छोड़ दिया है, तुम्हें काबुल चले जाना चाहिए। हुमायूं को लाहौर छोड़ना पड़ा और इस तरह हुमायूं अपने बाप की तरह हुकूमत मिलने के अगले 10 साल में बिल्कुल अकेला और मायूस था, जिसके पास ना कोई दोस्त था और ना सर छुपाने की कोई जगह थी। लेकिन हुमायूं भी बाबर की तरह हार मानने वाला नहीं था। हुमायूं ने फैसला किया कि फिलवक्त अक्लमंदी ज्यादा से ज्यादा दूर रहने में है और वो अपनी बची हुई फौज के साथ थर के रेगिस्तान में सफर करने लगा। बहुत जगह हुमायूं ने जिक्र किया है कि कैसे साल के गर्म तरीन वक्त में उसे और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को यह सफर करना पड़ा। उनके पास खाने पीने का सामान तकरीबन ना होने के बराबर था। जब उसकी 8 माह की हमला बीवी का घोड़ा मर गया तो सब ने उसको घोड़ा देने से इनकार कर दिया और इस तरह हुमायूं को अपना घोड़ा छोड़कर अपनी बीवी को देना पड़ा। खुद हुमायूं ने सिंध का रुख किया क्योंकि उसे सिंध के अमीर हुसैन इमरानी से मदद की उम्मीद थी। उसकी हमला बीवी अब मजीद सफर नहीं कर सकती थी और अमरकोट के राणा प्रसाद राव ने उन्हें पनाह दी और यही हुमायूं की बीवी हमीदा बानो ने 15 अक्टूबर 1542 को मुस्तकबिल के अजीम बादशाह अकबर को जन्म दिया। पैदाइश के फौरन बाद हुमायूं अकबर को वहीं छोड़ते हुए सिंध पहुंचा और घोड़े और हथियार इकट्ठे किए और नए इत्तेहाद बनाए और इस तरह सैकड़ों सिंधी और बलोच कबाइलियों के साथ हुमायूं काबुल की तरफ रवाना हुआ। हिंदल मिर्जा जो हुमायूं के कहने पर काबुल पहुंचा था उसे उसके भाई कामरान मिर्जा ने अपने नाम का खुतबा ना पढ़ने की वजह से गिरफ्तार कर रखा था। कामरान मिर्जा ने अपने दूसरे भाई अस्करी मिर्जा को एक अजीम फौज के साथ हुमायूं पर हमला करने का हुक्म दिया। हुमायूं को जब यह खबर पहुंची तो उसने मुकाबला करने की बजाय कहीं और पनाह लेने का सोचा। दिसंबर की सख्त सर्दियों में हिंदू कश के पहाड़ों में गुजरने की वजह से अकबर को वहीं एक कैंप में छोड़ा गया और अस्करी मिर्जा के हवाले किया गया और इसके बाद कुछ अरसा अकबर की परवरिश कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा की बीवियों ने की। हुमायूं अपने भाइयों से मायूस होकर पर्शिया में सफवी सल्तनत से मदद की उम्मीद में निकल पड़ा और इसकी उम्मीद के मुताबिक शहर हेरात में उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। सफवी सल्तनत के शाह तहमस ने उसके इस्तकबाल के लिए सड़कें साफ करवाई और इसको बेहतरीन रिहाइश मुहैया की। यहाँ पहुँचने के बाद कामरान मिर्जा ने शाह तहमस को ये ऑफर करवाई कि वो कंधार सफवियों के हवाले कर देगा अगर उसके बदले उसे हुमायूं जिंदा या मुर्दा दे दिया जाए। शाह तहमस ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हुमायूं को अपने 12,000 फौजी और 300 जाती मुहाफिज भी मुहैया किए और कामरान मिर्जा पर हमले का कहा और जीत की सूरत में कंधार मांगा। शाह तहमस ने हुमायूं को फौज की सपोर्ट हासिल करने के लिए सुन्नी से शिया होने का मशवरा भी दिया और इस तरह 1545 में सफवी फौज के साथ हुमायूं ने सिर्फ 2 हफ्ते का मुआसरा के बाद कंधार को अस्करी मिर्जा से हासिल कर लिया और वादे के मुताबिक कंधार को शाह तहमस के हवाले किया। हुमायूं अब कामरान मिर्जा से काबुल लेने के लिए तैयार था। कामरान मिर्जा की फौज ने उसका साथ देने की बजाय हुमायूं की फौज में शामिल होना शुरू कर दिया। कामरान मिर्जा के जुल्म की वजह से काबुल के लोग कामरान मिर्जा से छुटकारा चाहते थे और उन्होंने बाबर का साथ दिया और उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया और इस तरह हैरान कुन तौर पर हुमायूं ने बगैर खून बहाए काबुल को भी फतह कर लिया और इस तरह नवंबर 1545 में हुमायूं अपने बेटे अकबर से दोबारा मिला। हिंदल मिर्जा हुमायूं के लिए लड़ते हुए मर गया और अस्करी मिर्जा को जंजीरों में बांध कर रखा गया, लेकिन हुमायूं ने उस पर तर्स खाया और उसे हज पर जाने का हुक्म दिया। लेकिन मक्का जाने के रास्ते में शाम के करीब एक रेगिस्तान में अस्करी मिर्जा मर गया। शेरशाह सूरी 1545 में वफात पा चुका था और अब उसका बेटा इस्लाम शाह हिंदुस्तान के तख्त पर हुकूमत करता था। 1552 में कामरान मिर्जा हिंदुस्तान में सूरी बादशाह इस्लाम शाह के पास पहुंचा और हुमायूं के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिश की, लेकिन इस्लाम शाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हुमायूं के हवाले कर दिया। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम शाह ने उसे वापस मायूस लौटा दिया था और वापसी पर हुमायूं के वफादार एक लोकल सरदार आदम गक्कर ने उसे गिरफ्तार किया और हुमायूं के हवाले किया। कामरान मिर्जा की बार बार गद्दारियों और हिंदल मिर्जा की मौत की वजह से हुमायूं के वजीरों ने उसे मौत की सजा देने का मशवरा दिया, लेकिन हुमायूं ने उस पर फिर भी तर्स खाया और उसे मौत की बजाय
अंधा करवा दिया और उसे हज पर जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो भी मक्का पहुंचने से पहले मक्का के करीब ही मर गया। 1554 में शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूरी भी मर गया और इसकी मौत के बाद सूरी हुकूमत के बहुत से उम्मीदवार सामने आ गए और आपस में लड़ने लगे। अब वक्त आ गया था कि हुमायूं दिल्ली के तख्त को वापस ले लेता। हुमायूं ने सफवी फौजियों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज तैयार की और इस फौज की कमान बैरम खान के हवाले की, जो कि एक जबरदस्त सिपह सलार साबित हुआ। हिंदुस्तान में हुमायूं की फौज को ज्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा और वो बआसानी दिल्ली तख्त के करीब से करीब तक होता चला गया। सिर्फ सिकंदर सूरी की तरफ से हकीकी मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन जंग में बैरम खान की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हुमायूं ने सिरहिंद के मकाम पर 22 जून 1555 को सिकंदर सूरी को शिकस्त देकर अपनी वापसी का रास्ता साफ कर लिया और इस तरह 23 जुलाई 1555 को 15 साल दर बदर धक्के खाने के बाद हुमायूं अपने बाप के तख्त पर दिल्ली में दोबारा बैठा और मुगल सल्तनत इस तरह दोबारा कायम हुई। अपने तमाम भाइयों के मरने के बाद अब हुमायूं को किसी और से बगावत का खतरा न था। अब वो पहले से एक बेहतर लीडर था और बैरम खान की मदद से उसने सल्तनत को दूर दूर तक फैलाया। अपनी पूरी जिंदगी उसने लोगों को माफ किया और खास तौर पर अपने भाइयों के साथ उसने हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया और उसकी यही खूबी बादशाह के तौर पर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिसका उसके अपने साथियों ने भरपूर फायदा उठाया। उसकी आदत थी कि जब भी वो अजान सुनता तो वहीं अपनी जगह पर एहतरामन झुक जाता। कहा जाता है कि 24 जनवरी 1556 को जब वो किताबें उठाए लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था तो अजान की आवाज सुनते ही उसने घुटने टेकने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो फिसल गया और मुगल सल्तनत का दूसरा चिराग नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मर गया। इसको पहले दिल्ली के पुराने किले में दफन किया गया और दूसरी पानीपत की जंग के बाद दिल्ली में इसका मकबरा बनवाया गया, जहां इसकी लाश को मुंतकिल किया गया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा और मुगल सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह बना। अकबर ने क्यों अपने बाप जैसे बैरम खान को सजा दी, क्यों अपने भाई को किले की छत से बार बार नीचे फेंकता रहा जब तक वो मर न गया, मुस्लिम होने के बावजूद उसने क्यों एक नया मजहब ईजाद किया, पानीपत की दूसरी जंग में क्या हुआ, ये सब हम मुगल सल्तनत की अगली वीडियोस में तफसील से जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद ऐसी वीडियोस को आप तक पहुंचाया जा सके और आप आगाह रह सकें।